सनत सुजात ऋषि का आगमन। सनत सुजातीय पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र, सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बताएंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है, किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्म को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सनत सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ, भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी अपने शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य, मधु पर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुख पूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवन, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्श, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता आलस्य, काम क्रोध तथा उन्नति अवनति, ये द्वंद इन्हें कष्ट ना पहुंचा सके। सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर। सनत सुजातीय दूसरा अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने यह सुना है कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आप ही का सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? सनत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह कर्म से दूर होती है, एक पक्ष, और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष। परंतु वास्तव में यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के ही कारण आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग
मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृ लोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर हैं। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिये और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्म साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से सब ओर नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है उस सब को वह नष्ट कर देता है। यह काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई है उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की आयु नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, यह जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है यहां वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है
तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं। परंतु जो निष्काम पुरुष है, वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बोध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है?